आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका गाड़ी का चालान कटा है या नहीं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आगे रेड लाइट सिग्नल है और आप रुके हुए हैं, और कभी कभी होता है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़े हुए होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि पीछे जो कैमरा लगा हुआ था वो आपके गाड़ी को फोटो क्लिक करता है और चालान आपके घर पे भेज देता है, और आपको पता भी नहीं होता है कि कहाँ पे आपका चालान कट गया। ऐसे में आप ऑनलाइन अपने गाड़ी का चालान देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर ओपन करना है, और क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद इसका जो सर्च बार ऊपर देख रहे हैं इस पर आपको टाइप करना है ई चालान। आपको यहाँ सिंपली टाइप कर लेना है ई चालान। ई चालान टाइप करने के बाद इसे क्या करें, सर्च करें। सर्च करने के बाद जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद जो पहला जो लिंक आता है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ई चालान डॉट झारखंड पुलिस डॉट जी ओ वी डॉट इन। अगर आप झारखंड से हैं तब आप इस वेबसाइट को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे बहुत सा फीचर है, जैसे डैशबोर्ड रिपोर्ट है, और यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन दिया हुआ है। तीन ऑप्शन इधर दिया हुआ है और बाकी का तीन ऑप्शन इधर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ये जो फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना चालान सर्च करना है। तो आप यहाँ पे देखें व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी यहाँ पे आप अपना गाड़ी का नंबर यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं, या फिर चालान है तो चालान नंबर पे क्लिक करके चालान नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपना गाड़ी का देखना है चालान, तो यहाँ पे आपको अपना गाड़ी का नंबर डालना है इस तरह से, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ डाल के सर्च करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे अगर आपके गाड़ी में कोई भी चालान नहीं कटा है तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, अगर आपका गाड़ी का चालान नहीं कटा है तब, या फिर अगर आपका गाड़ी का चालान कट गया। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह से नीचे यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसे भी आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे पहला में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यानी मेरा एक चालान कटा हुआ, चालान नंबर ये रहा, और किस दिन किस समय चालान कटा है वो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देखें वॉयलेशन लोकेशन, यानी कहाँ पे आपका चालान कटा है, तो यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। उसके बाद बगल में देखेंगे पेनल्टी पर्सन, जिसके नाम से गाड़ी है उसका नाम यहाँ पे शो होगा। उसके बाद बगल में गाड़ी का नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे देखें स्टेटस, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे पेंडिंग दिखाई देगा इस तरह से, और कितना का पेनल्टी लगा हुआ यहाँ पे दिखाएगा। और एक्शन में देखें दो ऑप्शन है, एक व्यू का और दूसरा पे का। अगर आपको चालान का डिटेल देखना है व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपका चालान का जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगा। अब नीचे स्लाइड करके जूम करके देख सकते हैं कि आपका चालान किस लिए कटा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखें मेरा यहाँ पर दो यहाँ पे लिखा हुआ दो कारण है। तो इस तरह से आप अपना देख भी सकते हैं कि किस कारण आपका चालान कटा है। और इधर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई देगा, कितने कितने अमाउंट किस किस में आपको कटा है, और टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इस चालान को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए ऊपर यहाँ पे देखें प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करके पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए यहीं पे बगल में देखें पे का ऑप्शन है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो पे पे जब क्लिक करेंगे, तो जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इस तरह से ओपन हो चुका है, आप कार्ड द्वारा इसमें पेमेंट कर सकते हैं। नीचे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें पेमेंट डिटेल है, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट है। अब यहाँ पे देखें पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, आपको PNB या फिर SBI जो भी सिलेक्ट करना है इसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो उसके बाद इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से पेमेंट करना है, नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एग्री नॉट एग्री। आपको एग्री पे क्लिक करना है, उसके प्रोसीड फॉर पेमेंट है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो जैसे यहाँ से आप ओके करेंगे, चलिए यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, कार्ड द्वारा भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, तो कार्ड वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, अब यहाँ पे आपको अपना कार्ड डिटेल डालना है। तो यहाँ पे जो भी नाम है आप अपना नाम डाल दें, कार्ड का नंबर डाल दें, एक्सपायरी डेट डाल दें, CVV नंबर डाल दें, और डालने के बाद इस बॉक्स से नीचे स्क्वायर इस पर टिक मार्क लगा के आपको पे पे क्लिक करना है। जैसे पे पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ से चालान यहाँ पेमेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको मालूम चल गया है कि किस तरह से आप अपने गाड़ी का चालान देखेंगे कि आपका गाड़ी में कटा है नहीं, अगर कट गया तो आप किस प्रकार पेमेंट करेंगे वो भी मैं आपको इसमें डिटेल के साथ बता दिया हूँ।
तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। और अगर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने मेहमान हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह का और भी वीडियो देखना है तो बगल में जो दो लिंक देख रहे हैं इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए बाय।